नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कल से मैंने दोबारा स्टार्ट कर लिया है वीडियोस अपलोड करना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और तभी मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था, बट अब मैं दोबारा रेगुलर आ गया हूँ। और कल मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो अपलोड कर दी थी, पूरे एक्सप्लेन कर दिया था किस तरीके से बाय या सेल करना है, कौन से लेवल पे करना है, पूरा तरीके से एक्सप्लेन करा है। सिंपल एनालिसिस है, आप जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक होगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कल मंडे को हमें कौन से स्टॉक्स बाय या सेल करने हैं। चार्ट्स पे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, जो लोग नए हैं मैं उन लोगों को एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को चार्ट्स पे एक्सप्लेन करा जाएगा, बताया जाएगा बाय सेल कैंडिडेट है या सेल कैंडिडेट है, और जो भी लेवल्स पे बाय करना है, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, वो सारा कुछ हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल पे सुबह 8:30 बजे 8:30 अराउंड अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, उसका का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप जाके सीधा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। सुबह 8:30 बजे के करीब आपको अपडेट मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टॉक मैं लेकर आया हूँ, उसका नाम है पिरामल इंटरप्राइज, PEL है जिसे हम कहते हैं, सिंबल इसका। तो यहाँ पर मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस था, ये पर्टिकुलर इसके रेजिस्टेंस थे। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब ये पूरा एक सर्कल एक राउंडिंग टॉप बना के यहाँ पर अब एक इसने सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया है। सो बेसिकली मैं आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि दो बार अगर कोई शेयर सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस जो उसका पहला होता है, हम वहाँ पर एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम कर रहा था, यहाँ सेकंड टाइम कर रहा है, आप जिस तरीके से देख सकते हैं। और दोबारा कल के दिन एक मूवमेंट कैंडल बनी है, तो यहाँ पर हम एक बाय के लिए सोच सकते हैं। और अगर आप लोग इस पर स्विंग ट्रेड चाहते हैं तो मैं आप लोगों को लेवल्स बता देता हूँ, उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। देखिए ये एक फॉल आया, फॉल आने के बाद यहाँ से एक बाउंस आया, बाउंस आने के बाद दोबारा एक फॉल आया है। तो बेसिकली ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी ये पहले एक सपोर्ट था, जब सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ तो अब ये दोबारा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये लेवल थोड़ा सा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट ये लेवल है अराउंड 1260 के आसपास, तो अभी भी 14-15 पॉइंट्स ऊपर है, तो इस तक के लिए हम लोग अभी कल इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं। बट जैसे ये 1260 के ऊपर क्लोज करता है, ये इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाता है अगर कैंडल, तो यहां तक के हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। ये वाली जो कि 1300 का लेवल आ रहा है और 40 पॉइंट्स अराउंड, इस पे लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से बहुत सही है। ठीक है, तो स्विंग पे PEL हमारे लिए एक बाय कैंडिडेट है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो है चोलाफिन। चोलाफिन को मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि अभी एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, और बेसिकली जिस तरीके से हमने देखा था जो प्रीवियस का हाई था उसी पे जाके आज इसने क्लोजिंग दी है, और अपने एग्जैक्ट हाई पे आज जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो कल अगर ये 239.5 के ऊपर ट्रेड करता है और सस्टेन करता है तो हम लोग एक बाय बना सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा और 243-244 तक ही आराम से जा सकता है। तो इस पर भी हम लोग कल ट्रेड बना सकते हैं। कल मंडे के दिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि कम क्वांटिटीज पे ट्रेड करिएगा और कम और ट्रेड सेफ करिएगा, और बेसिकली ज़्यादा टारगेट्स के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है। सो नेक्स्ट स्टॉक आता है इंडिको। इंडिको पे आप ज़्यादा यहाँ पर डीप में मत देखिएगा, क्योंकि ये पहले से ही बने हुए हैं, बस 2-3 लाइन्स को ध्यान से देखिएगा। इस लाइन पे आप फोकस करेगा कि देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस था और यहाँ से दोबारा इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया और दोबारा ब्रेकआउट दिया। फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया, सेकंड टाइम रीटेस्ट करा, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, यहाँ पर दोबारा रीटेस्ट करा, फर्स्ट टाइम ये रीटेस्ट, सेकंड टाइम ये रीटेस्ट, एंड फिर से ये ऊपर बढ़ने की तरफ कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जो मेरा टारगेट निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1270 से लेकर 1280 तक का निकल के आ रहा है, जो कि कल ये दिखा सकता है, कल नहीं दिखाएगा, शायद कल एक हॉल्ट कैंडल बना दे और अगले दिन की मोमेंटम दिखा सकता है। तो वॉच लिस्ट पे आप इसे एक ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिको के ऊपर, हमने टोटल 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए। सेकंड आता है BHEL पे। ये मैं पर्टिकुलर स्टॉक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप देख सकते हैं मैं एक पैटर्न आप लोगों के सामने डेवलप कर रहा हूँ। तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पैटर्न का जो नाम है उसको हम कहते हैं गाटले पैटर्न। ठीक है, ये गाटले पैटर्न है
और एग्जैक्ट जो फॉल आई है, ये जो फॉल आई है इसने कहाँ पर सपोर्ट लिया है, 886% के रिट्रेसमेंट लेवल पे। और यहाँ से अगर ये कल अपमूव देना शुरू करता है तो ये अराउंड, अगर मैं आपको टारगेट्स बताऊँ गाटले पैटर्न के, वैसे बेसिकली टारगेट्स क्या होते हैं, एक दिन में ये अचीव नहीं होता है, बट मैं आपको एक बार टारगेट्स इसके नोट करवा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें फिबोनाची की यूजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिबोनाची अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो जो इसका टारगेट निकल के आता है वो अराउंड आता है 35 रुपीज़ का, मतलब 30 रुपीज़ का शेयर है और 35 का टारगेट निकल के आ रहा है, तो प्रॉबेबली यहाँ तक ही जा सकता है। एट अ मैटर ऑफ टाइम, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं, पर जा सकता है, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल होता है। दूसरी बात, यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल ये सपोर्ट्स थे जो ब्रेक हुए थे, तो यही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो यहाँ तक एक मूवमेंट आ सकती है अगर मार्केट स्टेबल रहती है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इंट्राडे के लिए बाय बना सकते हैं। 35 के टारगेट्स को इंट्राडे में ज़ूम करके बिल्कुल मत चलेगा, ये हफ्ते तक आएंगे। तो ये था हमारी फोर्थ स्टॉक की एनालिसिस। लास्ट आता है APL, अपोलो ट्यूब्स करके है। इस पर पर्टिकुलरली हमने तो आपको एक स्विंग ट्रेड चार्ट ऑफ द वीक इसी लेवल पे प्रोवाइड करवाया था, उसके बाद आप देख सकते हो बहुत बढ़िया मूवमेंट आई थी यहाँ तक की, बट अभी भी इस पर एक बाइंग बन सकता है। देख सकते हैं यहाँ से एक नीचे आया, हल्का सा रिट्रेस लिया, दोबारा ऊपर गया, ये लेवल पे ब्रेक करा, इस लेवल पे एक ब्रेकआउट आया, दोबारा नीचे आ रहा है। और सिमिलर पैटर्न जो मैंने आप लोगों को कल के वीडियो पे निफ्टी पे बताया था, सिमिलर पैटर्न हमें इस अपोलो ट्यूब्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग एक बाय सिलेक्ट करके चल सकते हैं, और मैटर ऑफ टाइम अगर मार्केट स्टेबल रहती है, ये भी सही रहता है, तो हमें 3500 प्लस तक के भी टारगेट्स 2-3 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आप लेकर चल सकते हैं, अभी थोड़ा सा ऊपर है, बट अगर नीचे आता है तो आप एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं, स्टॉक बहुत बढ़िया है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट टाइम रिटेस्ट करा, दोबारा ऊपर जा रहा है, यही इसका एक रेजिस्टेंस है जहां पर ये जा सकता है, तो इसको भी कल हम लोग इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। तो ये थे मेरे 5 स्टॉक्स की एनालिसिस। निफ्टी बैंक निफ्टी में इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने लिए एक सेपरेट वीडियोस आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है। तो यही थी मेरी आज की एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आती है, अगर आप लोगों को एनालिसिस सीखने में समझने में आसानी हुई है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बताया होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ और बनाते रहूँगा। तो मैं शिवांश भसीन, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। साइनिंग ऑफ़।